Constant Engineering Limited has developed a high-tech product which has reduced the carbon emission from the burning of the fossil fuel. The product is in high demand. The product has been patented and has a market value of rupees 100 crore. तो एक कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसने एक हाईटेक प्रोडक्ट जो है बनाया है जो कि कार्बन एमिशन को कम कर देता है, और इस प्रोडक्ट को पेटेंटेड करा लिया गया है, और इसकी इस पेटेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, 100 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इसकी, ठीक है। और इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है, ये नहीं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है। द नेट वर्थ ऑफ द कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज 200 करोड़। तो इन जो कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसका जो नेटवर्थ है वो 200 करोड़। तो नेटवर्थ मतलब देख, नेटवर्थ क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस होता है, यानी एक तरीके से आप इसको इक्विटी बोल सकते हो। तो नेटवर्थ मतलब इक्विटी होता है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से आप लोग कन्फ्यूज मत हो जा कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड अलग चीज होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में नेटवर्थ भी होता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल भी होता है, लॉन्ग टर्म डेट भी होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म हमें डेट दे रखा है 400 करोड़ का। द प्रोडक्ट जनरेट्स अ रिवेन्यू ऑफ 84 करोड़। इसमें एक प्रोडक्ट का बात कह रखा है, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट कितने का रेवेन्यू जनरेट करता है, 84 करोड़ का। लेकिन हमें यहाँ पे किसी भी तरीका ये का ये नहीं बता रखा है कि ये आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम इसको आफ्टर टैक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स रेट भी तो नहीं दे रखा है ना हमें, जो हम मान के चलेंगे कि ये बिफोर टैक्स है और फिर उसमें से टैक्स लेस करेंगे। टैक्स लेस कर भी नहीं सकते, इसलिए हमने इसको नो पैट मान लिया है। द रेट ऑन 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10% पर एनम। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड, जो 365 डेज का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसका रेट 10% पर एनम है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब जो डेट है, तो ये डेट का आपको कॉस्ट बता रहा है, कितना बता रहा है, 10% का। तो ये KD1-T ही मानना है इसको, ठीक है। बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। तो बॉन्ड पोर्टफोलियो की जगह आप इसको मार्केट पोर्टफोलियो भी कह सकते हो, ठीक है। तो यानी एक तरीके से पढ़ा जाए तो मार्केट पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, यानी जो मार्केट पोर्टफोलियो है वो कितना रिटर्न जनरेट करता है, 12% पर एनम का जो है रिटर्न जनरेट करता है। द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टैंडम विद द मार्केट। तो जो कंपनी का स्टॉक है, जो कंपनी का स्टॉक है वो मार्केट के साथ साथ मूव करते हैं, यानी अगर मार्केट में, अगर मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न अगर 12% का है, तो जो स्टॉक का रिटर्न होगा वो भी 12% का होगा, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई, स्टॉक मतलब इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई हमारी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी EVA कैलकुलेट करना है। तो EVA का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT1-Tax-WACC × OC(Operating Capital Employed). अब EBIT हमने अभी देखा, नो पैट देखा, कितना देखा, 84 करोड़ का, कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको करोड़ ही मानो, ठीक है, करोड़। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, देखो ऑपरेटिंग कैपिटल, मैंने आपको बताया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में नेटवर्थ भी होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स भी होता है, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो वो भी होता है, लेकिन प्रेफरेंशियल कैपिटल तो है नहीं, तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ही प्लस करेंगे, यानी 600 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। लेकिन हमें पेटेंट के बारे में भी बता रखा है कि, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी हमें दे रखी है कि जो पेटेंट है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ की है, उसे बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया, यानी ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे बुक में। तो जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, यानी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से, वो कितनी हो जाएगी, 700 करोड़ का हो जाएगा। अब देखो बुक में अभी तक वो जो पेटेंट था वो नहीं था, अब आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में पेटेंट कर दिया, तो लाइबिलिटी साइड भी तो बढ़ेगा ना। तो अगर पेटेंट यहाँ पे ऐड हुआ है एसेट साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, रिजर्व सरप्लस हमारा 100 करोड़ से बढ़ जाएगा, यानी अल्टीमेटली जो पेटेंट राइट होगा उससे क्या होगा, हमारा रिजर्व सरप्लस बढ़ जाएगा, यानी हमारी क्या बढ़ जाएगी, एक तरीके से इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने 700 करोड़ का ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगा लिया, EBIT1-Tax rate हमें, यानी नो पैट पता चल गया 84 करोड़ का, लेकिन WACC अभी अभी भी नहीं पता है। WACC का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स, ठीक है, इंटू वेट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने देखा 12% का है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स हमने देखा गवर्नमेंट बॉन्ड वाला 10% का है। अब हम वेट ऑफ इक्विटी देखते हैं, तो वेट ऑफ इक्विटी क्या है, 200 करोड़ का नेटवर्थ, यानी 200 करोड़ की इक्विटी है, लेकिन जब पेटेंट को हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे तो रिजर्व सरप्लस 100 करोड़ से और बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 200 से 300 हो जाएगा। तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हुआ, 300 डिवाइड बाई 700।
प्लस वेट ऑफ डेट कितना है, 400 का डेट है तो 400 डिवाइड बाय 700, तो WCC कितना आ गया 10.85। इसको आप यहाँ पे रख दो EBIT, ये EVA में 10.85% WCC रख दो, तो आपका EVA कितना आएगा 8.05 करोड़ का आपका EVA निकल करके आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी हमें assumptions लेनी पड़ेगी, काफ़ी सारी मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको assume करनी पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना।